नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज दिन भर हरियाणा बीजेपी की बैठकों का दौर जारी रहा। अब बड़ी खबर ये कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता की, बैठक से जुड़ी जानकारी दी गई। ओपी धनखड़ पहले ही क्लियर कर चुके थे कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। अब जिला परिषद को लेकर कह दिया गया है कि ये चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं, ये पार्टी की जिला इकाइयों पर छोड़ दिया गया है। पंचायत चुनाव के अलावा आदमपुर चुनाव को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया है कि एक या दो दिन में नाम फाइनल कर लिया जाएगा। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी देखिए बैठकों में बात की गई है। आज कई मीटिंग्स हुई हैं जिनमें चर्चा की गई है और आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा गया कि एक या दो दिन में सीएम से चर्चा होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसे मैदान में उतारा जाए। क्या कुछ बोले हैं ओपी धनखड़, आइए सुनते हैं। पंचायत चुनाव जो अभी संपन्न होने जा रहे हैं उसके बारे में सारे समूह से सलाह मशवरा करने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव समिति ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय को जो उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जिसमें हम पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, पहले से ही है। एक हिस्सा है जिसमें सिंबल पर लड़ने के बारे में विचार हुआ है, लेकिन इस निर्णय को अलग अलग जिलों पर, उनकी राय भी अलग अलग थी इस बैठक में, इसलिए जिलों पर ही छोड़ दिया है। आदमपुर की चर्चा हुई है, चुनाव समिति में सभी आदरणीय सदस्यों ने अपना अपना विषय रखा है और विषय रखने के बाद निर्णय जो है, अंतिम निर्णय यहाँ से जो रिकमेंडेशन भेजनी है वो मुझ पर और मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को छोड़ दिया है। तो हम उस प्रकार से मशवरा करते हुए वो जब आपको नाम भेजेंगे तो उसकी जानकारी दे देंगे। 27 अक्टूबर को सरकार के 8 साल हो रहे हैं, डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती है, तो हमने तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती प्लस सरकार के 8 साल के कामों को लेकर जाने वाले हैं। एक निर्णय ये हुआ है कि 8 साल के उपलक्ष्य में एक बड़ी रैली, हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड तो रैली की जाए, लेकिन चुनाव पंचायत के और आदमपुर का बीच में आ रहा है, इसलिए उसको नवंबर के तीसरे सप्ताह में करेंगे। वही हरियाणा में जल्द ही एक जंगल सफारी का निर्माण होगा। दुबई से लौटे सूबे के सीएम मनोहर लाल की ओर से जानकारी दी गई है। चंडीगढ़ में दरअसल उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई और दुबई दौरे को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। सीएम ने बताया कि 10,000 एकड़ में जंगल सफारी तैयार होगी, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र रहेगी। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम और साथ ही नूह जिले में मिलाकर जंगल सफारी बनाई जाएगी और जो कि 10,000 एकड़ के दायरे में फैली होगी। साथ ही सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में 1,080 एकड़ जमीन में एक ग्लोबल सिटी का निर्माण भी होगा। ये एक आइकॉन सिटी बनेगी, इसमें लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। हरियाणा में धान और बाजरे की खरीद को लेकर भी सीएम ने बात की है और खरीद की फसलों को लेकर सीएम ने कहा कि अब तक 11,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, साथ ही 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की सरकारी खरीद हुई है। हमने अपनी ओर से चुनाव आयोग को सारी तैयारी करके दे दी, चुनाव आयोग को घोषणा करनी है वो कब करें उनका काम। बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं, उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है, वो दो जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है, एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है, ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी, तो उस सारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं। 11,00,000 धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है, तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये
चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। तो ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSDC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी, ये एक बनेगी सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं, गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है, तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी, उनके सामने मैंने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए, और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहाँ उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं, बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं नौजवान हैं वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल जाना हुआ है, अब एक प्रश्न सब करते हैं कि भी 1 सप्ताह में 2 बार। सीएम को आपने सुना, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भारत के पहलवानों को निराश कर सकती है और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा के पहलवानों को होगा, साथ ही पदक तालिका पर भी असर होने वाला है। दरअसल अगले कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए खेलों की लिस्ट जारी की गई है। बड़ी बात क्या है और खबर क्या है कि इस लिस्ट में कुश्ती का नाम नहीं है, यानी कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे ठोस वजह क्या है ये हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि भारतीय कॉमनवेल्थ गेम्स में 114 पदक जिनमें 49 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ दूसरी सबसे सफल कुश्ती टीम भी है। तो भारत के लिए बड़ा झटका, हरियाणा के लिए बड़ा झटका और बाकी भारत के पहलवानों के लिए ये बुरी खबर कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां भारत के पहलवान, हरियाणा के पहलवान सबसे शानदार प्रदर्शन करते थे, वहां इस बार दंगल नहीं होगा, इस बार कुश्ती नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए गए विवादित ट्वीट को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। अनिल विज ने उदित राज के ट्वीट को आदिवासी महिला का अपमान कहा है। उन्होंने कहा कि उदित राज को कान पकड़कर माफी मांगनी होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर अनिल विज ने कटाक्ष किया और कहा कि माँ बेटा मिलकर भारत तोड़ना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा गया कि माँ और बेटा दोनों मिलकर भारत जोड़ना नहीं बल्कि भारत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये नया भारत टूटने वाला नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बयान है उदित राज जी का। द्रौपदी मुर्मू
चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनी है। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, वो एक आदिवासी महिला का अपमान कर रहे हैं, उनको सारे देश से कान पकड़कर। पहली बात तो ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। अब मां और बेटा मिलकर तोड़ना चाहते हैं तो भारत तो टूटने वाला है नहीं। भारत अब नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसका तुमने बंटवारा करवा दिया था और लाखों लोग मरवा दिए थे, लाखों लोग को भागना पड़ा वहां से। मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, परंतु किसी भी धर्म का किसी भी माध्यम से किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। आप अपने अपने धर्म को माने, अपनी परंपराओं को माने, उनको मनाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म का अपमान करता है तो उसके खिलाफ जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं गाविया में 60 बच्चों की मौत के मामले को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़े कदम उठाए हैं। दरअसल सोनीपत में भारतीय कंपनी फार्मास्यूटिकल की बनाए गए 4 कप सिरप को पीने से बच्चों की जान गई है। इसे लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है और कहा गया कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरा नहीं उतरा है, बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इसे को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जांच के आदेश दे चुके हैं और अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय लैब कोलकाता में इसे जांच के लिए भेजा जाएगा, सैंपल जांच के लिए दिए जाएंगे और अगर रिपोर्ट में कोई खामी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहां पर सैंपल भेजे गए हैं, वहां से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहीं हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी जोरों पर है। इसी कड़ी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर वार किया है और दीपेंद्र हुड्डा के आदमपुर उपचुनाव में जीत के दावे को लेकर पलटवार अभय की ओर से किया गया। मीडिया से बातचीत में अभय ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जीत का दावा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें आदमपुर हलके के गांव के नाम भी नहीं पता है और न ही सड़कों और रास्तों की कोई जानकारी है। अभय सिरसा में कालावाली हलके से JJP पदाधिकारियों की इनेलो में ज्वाइनिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज कालावली हलके से JJP पदाधिकारियों ने एक बार फिर से देवीलाल की नीतियों में आस्था दिखाई है, एक बार फिर से इनेलो का दामन थामा के। दीपेंद्र हुड्डा कहता है ये बात कि हम उपचुनाव जीतेंगे, उसको पूछ आदमपुर में गांव कितने हैं। ये लोग भी दावा करते हैं जिनको गांव के नाम पता नहीं, सड़क के रास्ते पता नहीं। सुचारू रूप नाम चला सकिए कि आज वहीं सिरसा के नगर परिषद कार्यालय में गुरुवार को खुला दरबार का आयोजन किया गया जिसमें सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री और HLP सुप्रीमो के अनुज, वरिष्ठ BJP नेता गोविंद कांडा ने लोगों की शिकायतों को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को
इनका समाधान किए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान खुला दरबार में करीब 200 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया। अधिकारियों को हफ्ते भर का वक्त इसके लिए दिया गया है। साथ ही इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विधायक गोपाल कांडा की ओर से उनके उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अधिकारी जनता की सेवा के लिए है और अगर जनता परेशान होती है तो अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही होगा। अधिकारी यहाँ बैठे थे और उनके बीच में लोगों की समस्याएं सुनी गई। करीबन आज अभी 200 एप्लीकेशन की लगभग समस्याएं जो बहुत हद तक आज यहाँ हल हुई है, लोगों को फायदा हुआ इसका, खुले दरबार का। इसका टाइम कल भी हमने रखा है, कल भी 10 बजे से दोबारा शुरू किया जाएगा। कुछ जो लोग बचे हैं उनको कल सुना जाएगा, लेकिन इस दरबार का जनता को बड़ा फायदा हुआ है। जनता तक ये अगर ऐसे खुले दरबार लगते रहे तो जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। ज्यादातर जैसे सड़कों की ओर की समस्याएं आई है तो उनका किस प्रकार से? देखिए, सड़कों का हमने 50 लाख का एक टेंडर लगा दिया है और ये टेंडर जल्दी जैसे भी जिसको अलाट हो जाएगा तो ये जितनी भी खड्डों की समस्याएं हैं वो बड़ी शीघ्र दूर हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा, 15-1 दिन का टाइम। कितने दिन का टाइम है? दिवाली से पहले पहले ये टेंडर हो जाएगा और दिवाली से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि सभी खड्डों को भर दिया जाएगा। वहीं सिरसा विधानसभा के गांव धेंगतानिया और इलाहाबाद हलके के अरनियावालिया गांव के लोगों ने सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा का आभार जताया है। दरअसल दोनों गांव के लोगों ने खेतों के रास्ते मंजूर करवाने पर विधायक गोपाल कांडा का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि इस मांग को लेकर पिछले दिनों लोग विधायक गोपाल कांडा से मिले थे। खेतों में से रास्ता बनवाने की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्हें करीब 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रास्ते को मंजूरी दिलाकर ग्रामीणों की परेशानी का समाधान कर दिया गया। तो इन लोगों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा से मुलाकात भी की है, साथ ही धन्यवाद कहा गया। हमारे एक गांव में ना पूरे रास्ते जो खेतों के रास्ते थे उसी में हमारा रास्ता भी एक शामिल था, जो सबसे लंबा रास्ता था, करीबन 16,18,000 रुपए का रास्ता था, जो अरनियावाली और दिगतानिया के मैन रोड से लेके और कनीराम नांदेवाल के खेत तक था, जो इनके करकमलों से वो पूरा हो पाया। उसके लिए हम अरनियावाली और दिगतानिया से संयुक्त रूप से आकर और उनका धन्यवाद करने आए हैं और जन्मदिन की बधाइयाँ भी देने आए हैं, तो उनके आभार प्रकट करते हैं पूरे समाज की तरफ से और पूरे किसानों की तरफ से। उन्होंने किसानों के प्रति सोचकर ये खेतों का रास्ता जो पक्का करवाया, उससे सभी किसानों को खुशियां हैं। उन्होंने हमें मनोनीत करके इधर भेजा हुआ है। कितने समय के बाद ये समस्या का समाधान हुआ? ये पहली बार ही हुआ है, पहले तो रेतीला रास्ता था जिसमें तो आसानी से निकला ही नहीं जाता था, अभी बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। वहीं महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर 7 अक्टूबर को गोहाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने और लोगों के बैठने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बता दें सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले सोनीपत के एसपी हिमांशु गर्ग ने इस मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल लगभग 11:30 बजे भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। सर्वप्रथम तो वाल्मीकि आश्रम यहाँ गोहाना में पहुंचेंगे और यहाँ पर समरसता भवन का उद्घाटन करेंगे। फिर भगवान वाल्मीकि के दरबार में पुष्पांजलि और संतों का सम्मान करेंगे और यहाँ पर संगीत का और चर्चा ही करेंगे। उसके बाद 12 बजे मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंच जाएंगे और 12 बजे के बाद देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम गोहाना में है, जैसा कि आप सबको पता है, तो उसी के लिए आज हमने एक विस्तृत मीटिंग यहां रखी थी। इसमें सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया गया, जितने भी नाके हमने लगाए हैं, फोर्स लगाई है, उनको ब्रीफ किया गया और आज भी अभी वो प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम डिटेल मीटिंग करेंगे और ऑर्गेनाइजर के साथ भी मीटिंग हमारी लगातार हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्वक और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हो। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई।
इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया और इसके बाद एनएचआरसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। मामले में जवाब मांगा गया है, साथ ही पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से सवाल पूछा गया है, जवाब मांगा गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। अभी तो हम उनके क्लेम का निर्धारण के लिए उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देख रहे हैं कि उनकी क्या एज और सैलरी थी, जो कि मुख्य एक आधार होता है उसका क्लेम डिसाइड करने का। तो अभी हमारी जो बाकी जो टीम है वो इंस्पेक्शन कर रही है, वर्कर की जो उनके साथ काम कर रहे थे उनके स्टेटमेंट वगैरह ले रही है। जैसे हमें ये रिपोर्ट मिलेगा कि उनकी एज क्या थी और उनकी सैलरी क्या थी, उसके आधार पर हम इनको जो क्लेम होगा उसका निर्धारण करने के बाद इनको डायरेक्शन देंगे, उसको तुरंत डिस्पर्स किया जाए। हम खड़े हैं इस समय फरीदाबाद के मोरिंगो QRG हॉस्पिटल में, जहां कल 4 मजदूरों की जो इस शिविर में डूबने के कारण जो मौत हुई और गंदी गैस के कारण मौत हुई, कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उस पर जो है सवालिया निशान लगा, क्योंकि लापरवाही का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक जो कहीं ना कहीं है वो परिजन है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको जबरदस्ती इस टैंक के अंदर उतारा गया था। ये वही टैंक है जहाँ पर उन 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। इसमें उतरते समय जब नीचे उतरे तो उसी समय जो गंदी गैस है उसके कारण वो लोग बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं जो पुलिस के DCP हैं अभी कुछ देर पहले आए थे, मौका मुआयना करके गए हैं, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन तमाम सवाल हैं क्योंकि जिस तरीके से उनके पास संसाधन नहीं थे, बिना संसाधन के इसमें उतार दिए गए, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि अस्पताल प्रबंधन की जो है लापरवाही बहुत बड़ी रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भी कई सवाल जो है अस्पताल प्रबंधन पर उठाए हैं। साफ तौर पर कहें तो ये अस्पताल एक जो संस्था थी उसके नाम था, लेकिन बाद में इसको किस तरीके से इन्होंने अपने नाम करा लिया, और कहीं ना कहीं सवाल अस्पताल पर भी उन्होंने उठाए, लेकिन जिस तरीके से अब अस्पताल प्रबंधन भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो ऐसे में उन 4 मजदूर के जो परिजन हैं उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की बड़ी ही बेदर्दी से जो यहाँ पर मौत हुई है, और कहीं ना कहीं लगातार परिजन भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अभी जांच की बात कर रही है। हालांकि जांच में तेजी लाई गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। वहीं बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर DSP संदीप कुमार की अगुवाई में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। उनकी ओर से बताया गया कि अक्टूबर महीने को साइबर क्राइम को लेकर पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें तमाम ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ होमगार्ड पुलिस के जवान भी जागरूक करते नजर आए थे। इस पूरे अभियान को लेकर DSP संदीप ने जानकारी दी, सुनिए। देखिए, अभी 1930 मीटर की पैदल मार्च है, ये अक्टूबर महीना साइबर क्राइम जागरूकता के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश हैं और PHQ की तरफ से हमें निर्देश हैं, तो पूरा अक्टूबर महीना प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं और हम डेली ये एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस की मुहिम इसी दिशा में है, लोग बाग अवेयर रहे, जागरूक रहे, और जो बार बार हिदायत दी जाती है उनको फॉलो करें। देखिए, अभी 1930 मीटर की। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।